नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा टीम आज पहुंची है भाई। जो काव कलावड है नेशनल हाईवे पे एक मंदिर पड़ता है, वहाँ बालाजी महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जानेंगे, जो मंदिर के अंदर पंडित जी बैठे उनसे जानेंगे मंदिर कितना पुराना और ये कब से ये मंदिर है। देखिए कैमरा में से को एक बार मंदिर के विजुअल दिखाए भाई। अंदर घुसते ही देखिए यहाँ पर प्रहलाद भगत है, जो ये इधर देखिए पूरा ये दिखाया जा रहा है मंदिर के अंदर। और मंदिर की स्थापना किसने की थी, कब चालू हुआ था इसका स्थापना कार्य। मंदिर बहुत पुराना है और पंडित जी से जानेंगे हम बालाजी महाराज का जो ये मंदिर है कितना पुराना मंदिर है। देखिए चांदी की जो प्रतिमा स्थापित कर रखी है मंदिर के चारों तरफ, चांदी की मूर्तियां लगा रखी है। श्री राम दरबार है इधर सामने ही, और ये बालाजी महाराज की मूर्ति है। ये देखिए नंद, ये मतलब अंजनी पुत्र हनुमान, अंजनी माता की गोद में बैठे हैं। इधर पवन पुत्र अनंत पंचमुखी हनुमान जी हैं इधर देखिए। और जो पंडित जी बैठे हैं इनसे पूछेंगे कितना पुराना। राम राम पंडित जी। राम राम भाई। पंडित जी ये मंदिर कितना पुराना है भाई? ये 45 साल पुराना। 45 साल पुराना मंदिर है भाई। आयु पास स्थित है। ये देखिए चांदी का छत्र चढ़ाया हुआ है मंदिर के अंदर, और मंदिर का ये चारों तरफ का दृश्य है। कैमरामैन ने कहूंगा दिखाए भाई, देखिए कितना अच्छा सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया है। ये देखिए ये बालाजी महाराज हनुमान, देखिए अपने हाथ पर पहाड़ को उठा कर जो लक्ष्मण जी के लिए बुट्टी लेके आए थे वो पहाड़ का दृश्य है। और ये चांदी की मूर्ति लगाई गई है यहाँ। और ये देखिए उधर भी दिखाइए, राम दरबार है पूरा पूरा, और राम भगत हनुमान भी साथ में विराजमान है। और ये शिव परिवार है, इधर शिव परिवार भी है। ये देखिए पूरा मंदिर का दृश्य दिखाई, कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ का दृश्य। और पंडित जी तो हमारे सामने कैमरे से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, हम फिर भी दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये देखिए बालाजी महाराज के परम भगत हैं ये पंडित जी। देखिए पंडित जी राम राम। राम राम भाई। पंडित जी जो आप ये मंदिर की सेवा में कब से हैं? मैं साथ में ही हूँ, बाबू जी के साथ हुआ करता था। तो बाबू जी ने मंदिर की स्थापना कब की थी आपके जो बाबू जी, क्या नाम था उनका? दरियाव सिंह नाम था उनका। दरियाव सिंह नाम था, उन्होंने मंदिर की स्थापना शुरुआत करवाई थी मंदिर की, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद इसकी देखरेख का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके परिवार द्वारा किया जा रहा है। 93 तक मेरे बाबू जी रहे यहाँ पे। 93 तक 8 मई 93 को भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया बाबा जी। और उसके बाद में मंदिर के बारे में कोई चर्चा प्रचलित हो तो एक बार डीएन हरियाणा के दर्शकों को बताइए एक बार भाई। जो भी रोल पर से भी मांग के गया ना बाबा से हाथ जोड़ के, उसकी इच्छाएं पूरी की है बाबा बाबा ने। और यहाँ से आने जाने वाले लगभग सभी यात्री बालाजी महाराज के इधर से जय करके प्रसाद। जय बाबा जी भाई। जय हो बाबा जी भाई। पंडित जी ने हमारे को प्रसाद दिया, और ये बहुत प्राचीन मंदिर था। एक बार हम जानेंगे पंडित जी से जानेंगे, जो इनके पिताजी थे उनका भी एक बार हमारे प्रतिमा दिखाएं, उनका फोटो दिखाएं, उन्होंने जो मंदिर की स्थापना करी थी वो कहाँ पर है। तो ये देखिए पंडित जी मंदिर बनाने की जो वो जिन्होंने चालू किया था मंदिर बनाना, एक बार उनका भी एक बार हमारे को दर्शकों को दर्शन कराए जिन्होंने ये मंदिर स्थापना। ये देखिए कृष्ण भगवान का रथ, अर्जुन को रथ पर बैठाए हुए, कैमरे मैन से तो एक बार दिखाइए। ये देखिए साथ में जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, देखिए देखिए एक मिनट जी आप एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए भाई चढ़ी हुई है, देखिए भाई कृष्ण भगवान और साथ में अर्थ में अर्जुन जी बैठे हैं, और आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए जो पंडित जी के पिता दीजिए हमेशा देसी की है जो चलती रहती है इनके सामने। और इन्होंने कितने समय तक सेवाएं दी जी मंदिर में अपनी? 75 और 75 और 18 साल सेवा इन्होंने मंदिर में दी। और उसके बाद से पंडित जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्म है भाई। धर्म नाम है? धर्म। देखिए धर्म जी है जो अब यहाँ मंदिर की देखरेख का कार्य कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं भाई, सभी कर रहे हैं, सभी का सहयोग है इस मंदिर में, सभी का सहयोग है बता रहे हैं धर्म जी। और इसी प्रकार हम आपको हाईवे से देखे, गाड़ियाँ आके रुक रही हैं, और हाईवे के अंदर जो हाईवे से जो गुजरते वाहन है वो सभी यहाँ से देखिए मंदिर का अंदर का दृश्य भी दिखाए। कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये देखिए, ये देखिए सभी देवता है समुद्र पर। ये देखिए ये जो कृष्ण भगवान है उनका विराट मुख है, देखिए सभी देवताओं के इसके अंदर। ये कौन है सर? ये अर्जुन है। ये गीता का उपदेश तब दिया था ना श्री कृष्ण महाराज को, विराट रूप दिखाया था उन्होंने अर्जुन को अपना। ये देखिए हमेशा, ये देखिए माता जी का मंदिर,
और माता जी के मंदिर का पंडित जी, कौन सी माता जी का मंदिर है ये? नौ दुर्गा, नौ देवियां। देखो नौ देवियों का ये मंदिर है, नौ की नौ देवियां यहाँ मौजूद है। एक बार पंडित जी को दिखाए, कैसे बता रहे हैं देखिए एक बार कैमरे में से, पंडित जी अपने हाथ से दिखाए और बताए ये कौन सी माता है जी? नौ दुर्गा, नौ दुर्गा। अच्छा, जिन माताओं की, नौ माताओं की पूजा की जाती है सभी यहाँ पर विस्थापित है, सभी माताएं हमेशा विद्यमान रहती है। और ये देखिए जो माताओं के सामने दिया जलाया गया देसी घी का, 24 घंटे जलता रहता है ये दिया, हर मंदिर में देसी घी का दिया जलता है। भक्तों की सेवाओं की वजह से, जो भक्तों का ये जो सहयोग है, इसी से ये मंदिर चला हुआ है। ये आगे तक दिखाएंगे भाई कैमरा मैन से, कहो देखिए पंडित जी कितनी सेवा करते हैं। और हमारे ये देखिए गोगा जी का मंदिर, गोगा जी महाराज है, जो पीर गोगा जी महाराज है नीले घोड़े पर विराजमान है। पंडित जी देखिए यहाँ कितनी सेवाएं प्रदान करते हैं, गोगा जी महाराज की जय। ये आगे भी पंडित जी हमारे को दिखाएंगे मंदिर, और जो मंदिरों का ये देखिए कृष्ण जी महाराज का मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर है, देखिए साईं महाराज का मंदिर। इधर देसी घी की ज्योत यहाँ भी हमेशा जलती रहती है। और आगे भी देखेंगे पंडित जी, देखिए ये हनुमान मंदिर की परिक्रमा हमारे को पंडित जी करा रहे हैं। ये देखिए पाछ लाग जात था लोक वेद के साथी, आगे तो सतगुरु मिलया दीप दिया जात थी। ये देखिए अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं यहाँ, देखिए लव कुश हनुमान को पकड़ना। ये देखिए भाई यहाँ सिंदूर चढ़ाया जाता है भाई, देखिए ये बालाजी महाराज मंदिर के अंदर सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये इधर शिव मंदिर है, देखिए पंडित जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिव परिवार को एक बार पंडित जी दिखाइए अंदर जाके, आप शिव परिवार पूरी परिक्रमा करके दिखाइए एक बार पूरे शिव परिवार को। देखिए हमारे पंडित जी हैं, शिव परिवार दिखा रहे हैं, उधर शिव परिवार है। और ये देखिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं। शिव परिवार भी उन्होंने दिखाया, शिव मंदिर दिखाया, और कुछ भक्तों भी यहाँ जलाभिषेक करने आए हुए थे शिव मंदिर में। और ये इधर गोरखनाथ का भी बताया जा रहा है मंदिर भक्तों द्वारा, देखिए कितना भव्य सुंदर मंदिर है। पंडित जी थोड़ा एक बार दूने के पास जाइए, दूने दूने का तिलक भी लगाइए जरा, हमारे दर्शक भी देख पाए कि देखिए भाई ये दूना है, जय भाई दूने का तिलक लगवाइए। ये देखिए भाई जय जय बाबा की भाई। और ये जो ये देखिए भाई गोगा जी महाराज, और ये देखिए भैरवनाथ का धुना भाई, अन्य अंतर जो जलती हुई गोरखनाथ जी का देखिए भाई धुना, चंद्रमा इनके शीर्ष पर विराजमान है। और जी जी बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं हम, आप हमारे को पूरे मंदिर की परिक्रमा कराइए पंडित जी। ये देखिए भाई, ये देखिए सर काली माता है जी, भैरव बाबा साथ में, भैरव बाबा विराजमान है। ये सभी की ज्योत देसी घी की जल रही है, 24 घंटे जलती है भाई। देखिए मंदिर के इतने भगत है जिन्होंने ये ज्योत 24 घंटे जलती रहती है। और ये देखिए बाबा जी के एक बार अंतिम और हम आपको दर्शन करा, देखिए सामने भगत भी आए हुए हैं कुछ। और ये देखिए एक बार और कहूँगा कैमरामैन से जूम करके बाबा जी की तस्वीर दिखाए, जो बाबा जी विराजमान है या बालाजी महाराज, और यहाँ बहुत सारे भगत आए भी हुए हैं साथ में। चलिए बाहर का दृश्य दिखाइए, उत्तर का यहाँ शीर्ष काटा जा रहा है भाई, देखिए ये विष्णु भगवान है। इधर देखिए सामने कैमरामैन से कहूँगा, और ये देखिए भाई बाहर भी कुछ दर्शक आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे भाई। देखिए भाई से पूछा, भाई साहब राम राम, कहाँ से आए भाई साहब? रोहतक। रोहतक से बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन करने के लिए या कहीं और जा रहे हो आज? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या करने जा रहे हैं? रखड़ी में। देखिए भाई ये बहने हैं कुछ यहाँ से, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली जा रहे हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर। देखिए भाई बहन का वैसे भी हम इस मंदिर में वैसे भी हम आते रहते हैं। आप दिल्ली जाओगे भाई के प्यार में? भाई के प्यार में। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए अपने भाई के प्यार में है, और कुछ और महिला इनसे बात करें भाई की ये कहाँ जा रही है आज। राम राम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भिवानी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? नंद के घर अपनी, नंद के राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं। देखिए भाई कुछ और महिलाएं थी यहाँ पर, आगे भी हम दिखाएंगे आपसे भाई। देखो अपने कोई तो अपने भाई के घर जा रहा है, तो कोई अपनी ननंद के घर जा रही है राखी बंधवाने के लिए। इसी प्रकार आप देखते रहिए डीएन हरियाणा, डीएन हरियाणा नंबर 1 हरियाणा के लिए। मैं दिनेश दुलानिया, गाँव कलावड़ से।